conclusion of chapter 12 class 7 science, and again warm welcome to everyone in today's classes. Now we start our discussion. Question number 1 is fill in the blanks, that is production of new individual from the vegetative part of parent. Production of new individual from the vegetative part of parent is called vegetative propagation. तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स ए आंसर वेजिटेटिव प्रोपागेशन. क्वेश्चन नंबर 2 इज ए फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो क्वेश्चन नंबर 1 के बी का आंसर हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर. सी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर सी में तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा. वेरी सिंपल, चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका पॉलिनेशन. ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 12. ठीक है, नाउ वी डिस्कस द डी में क्या है हमारा. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म एज. अब मैंने आपको बताया था कि मेल एंड फीमेल गैमेट अगर फ्यूज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का आपको मैंने डिफिनेशन ही बताया था, जहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें फॉर्मेशन मैंने बताया था कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, नाउ ई क्या है हमारा. ई है सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ. मैंने आपको बताया था सीड कैसे डिस्पर्स करता है, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा. तो ई नंबर होगा हमारा सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ विंड वाटर एंड एनिमल्स. विंड वाटर एंड एनिमल्स. ठीक है, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे. तो पहला हमारा होगा, बताइए क्या होना चाहिए, हम लोग शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वेजिटेटिव प्रोपागेशन. और बताइए बर्डिंग बर्डिंग के बाद और क्या होना चाहिए, प्यारे प्यारे सोल्जर्स, होना चाहिए इसके बाद फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी. उसके बाद बताइए चैप्टर्स के स्टार्टिंग से अगर आप रिवाइज करते जाएंगे तो आपको याद आते जाएगा
उसके बाद होगा हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। तो हम पहले डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन से क्या होता है। ए प्लांट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं, रूट्स स्टेम एंड लीव्स। सीड को छोड़ के वैसे प्लांट जो रूट स्टेम और लीव्स से ग्रो करते हैं, रूट्स स्टेम एंड रूट्स स्टेम और लीव्स से ग्रो करने वाले प्लांट्स को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, द प्लांट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ए प्लांट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय द हेल्प ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स। बडिंग उसके बाद आता है। बडिंग में क्या था, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अ बड। मतलब द प्लांट ग्रो फ्रॉम द बड। बडिंग में आप लिख सकते हैं द प्लांट ग्रो फ्रॉम द बड। ठीक है, बड मतलब होता है कली, है ना। प्लांट ग्रो फ्रॉम द बड हो गया। फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है ब्रेक, टूटना। न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स ऑफ पैरेंट बॉडी। न्यू ऑर्गेनिजम्स, फ्रैगमेंटेशन में आप लिख सकते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो फ्रॉम फ्रैगमेंट पार्ट। ठीक है, तो न्यू प्लांट्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो फ्रॉम द फ्रैगमेंट पार्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रैगमेंटेशन। एंड नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मैंने आपको पहले ही बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज फाउंड मेनली इन हायर पार्ट्स व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो हम लोग लिखेंगे इसको इजी सेंटेंस में, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट is called, this process is called fertilization, and this zygote develop into new individual which are not identically offspring, or we can easily write the what you understand by sexual reproduction. Sexual reproduction means the fusion of male and female gamete fused to form a zygote, and this process is called sexual reproduction. Or we can also write that the fusion of male and female gamete fused to form a zygote, and this process is called sexual reproduction, and later
जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, इट इज अकर, इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन बींग्स और प्लांट दोनों में होता है, तो इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, लेटर जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फोर? क्वेश्चन नंबर फोर इज दैट स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग तीन से चार डिफरेंस देख लेंगे। ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व्ड। वही अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें देखिए मेरे प्यारे सोल्जर्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करते जा रहे हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वहाँ पे केवल वन पेरेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूज़न होता है, तो वही बात इसमें लिखेंगे। यहाँ पे ओनली वन पेरेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेकेंड डिफरेंस आप बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या लिख सकते हैं। अकर इन यूनिसेक्सुअल प्लांट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो अकर इन और वी कैन से डेट प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए मेरे प्यारे सोल्जर्स, आपको मैंने कुछ नहीं बस छोटा सा पॉइंट घुमा दिया इसमें। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब वैसे जिसमें केवल मेल या तो फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल लिखा है मतलब या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, जब हम बात करें टू पेरेंट्स की, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स, ठीक है। और एक डिफरेंस लिख लेंगे ताकि तीन पॉइंट आपको याद होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर नॉट प्रेजेंट। चलिए इससे भी थोड़ा और आसान हम लोग ध्यान में लाएंगे, और क्या हो सकता है, प्रोसेस द गैमिट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमिट गिव राइज टू जाइगोट। ये भी थोड़ा सा टफ लग रहा है ना आपको, मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए छोटा पॉइंट ही लिखेंगे हम लोग कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर नॉट प्रेजेंट, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। और तीसरे में लिखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तीन हो गए हमारे डिफरेंसेस, और हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर का डायग्राम आपको बनाना है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर का डायग्राम आप इजी बना सकते हैं, फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से बना लीजिए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन।
तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर जो होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम प्लांट और सेम फ्लावर में होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन सेम प्लांट ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जो होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन अदर प्लांट ऑफ द अदर फ्लावर। इसमें आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन, ये लाइन जो होगा आपका वो कॉमन रहेगा यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिटवीन ये आपको कॉमन, ये लाइन आपको यहाँ भी लिखना है, उसके आगे सिर्फ लिखना है बिटवीन अदर प्लांट ऑफ अदर फ्लावर ठीक है, ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं। और सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं इसमें, कुछ और हम लोग लिखेंगे अकर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट एंड अकर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ कॉमेंट्स लेके चलने हैं पॉइंट्स को, जैसे हमारे हो गए अकर इन बाइसेक्सुअल प्लांट और अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं वो किस केस में होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में। अकर इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स एंड ये हो जाएगा हमारा अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है मेरे प्यारे सोल्जर्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। इट टेक्स प्लेस इन प्लांट लाइक वीट एंड पीज, इसका एग्जांपल हो जाएगा, और टोमेटो और ब्रिंजल आपका एग्जांपल हो जाएगा किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल लिख लेंगे इसका, वीट एंड पीज एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका वीट एंड पीज, और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप टोमेटो एंड ब्रिंजल। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर, मैं आपको थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, आप लिखना थोड़ा अपने से कोशिश करना। इसमें क्या होता है कि व्हेन द पॉलन ग्रेन रीचेज द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, स्पीसीज ऑफ फ्लावर, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग आउट इनटू द पॉलन ट्यूब ऑफ द स्टिग्मा, द ट्यूब कंटेन टू ग्रो इनसाइड द स्टाइल टिल इट रीचेज द ओव्यूल एंड मेल सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द ओव्यूल फॉर द फर्टिलाइजेशन विद द female egg and thus the zygote is formed after the process of fertilization, the ovary develop into fruit and ovules into seed। मेरा बातों को सुन के भी आप लिख सकते हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। होता है क्या, फर्टिलाइजेशन के समय हम लोग दो तीन बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जाइगोट और सीड और ओव्यूल्स, इन सब बातों को समझेंगे। होता है कि व्हेन द पॉलन ग्रेन रीचेज द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पेसिस, चलिए मैं आपको लिखवा ही देता हूं, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स and ovules develop into seeds। देखिए मेरे प्यारे सोल्जर्स, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बताना है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, when the pollen grain reaches the stigma of the same species, मतलब सेम कैटेगरी होंगे, सेम कैटेगरी का है, अदर कैटेगरी का नहीं है। रीचेज द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पेसिस फ्लावर, मतलब फ्लावर एक जैसे हैं,
इट रीचेज इन टू द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब आपके डायग्राम दिए हुए, पॉलन ट्यूब वाला भी डायग्राम आप देख सकते हैं, कैसे इस डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे। इट रीचेज इन टू द पॉलन ट्यूब, आपको दिख रहा होगा कि कैसे पॉलन ट्यूब से आ रहा है। ऑफ द स्टिग्मा दिस ट्यूब ग्रो इन साइड दी, ये ट्यूब कहाँ ग्रो करता है, ग्रो इन साइड द स्टाइल, स्टाइल के अंदर इंटरनल पार्ट होता है। टिल इट रीचेज द ओव्यूल, उसके बाद कहाँ आता है, ओव्यूल के पास मेल सेल्स आर रिलीज इन टू द, फिर मेल सेल्स रिलीज होता है ओव्यूल्स में फॉर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विद द फीमेल एग, फीमेल एग सेल एंड द जायगोट इज फॉर्म्ड। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मिल गया तो क्या बना, फीमेल एग हो गया आपका इधर और मेल सेल्स आर रिलीज हो गया ओव्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जायगोट, जायगोट बना, जायगोट इज फॉर्म्ड। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया तो ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट्स में और ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है सीड्स में। तो आपका हो गया ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। क्या क्या वेरियस वेव्स हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है जिससे सीड डिस्पर्स करता है, मैंने आपको बताया था एनिमल्स के द्वारा, एयर के द्वारा और बती और वाटर के द्वारा सीड्स क्या होता है, डिस्पर्स होता है। तो सम लाइट सीड्स लाइक डैट ऑफ मदार विच आर हेयरी ड्राई एंड स्मॉल आर कैरिड अवे बाय द विंड, एंड सम सीड्स आर लाइक जेंथेनियम एंड यूरेना स्टिक इन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स। मतलब मैंने बताया था आपको जेंथेनियम और यूरेना जो है वो कैसा है, स्पाइनी सीड्स हैं जो एनिमल्स के बॉडी में स्टिक हो जाते हैं और आसानी से वो क्या होता है, दूसरे जगह को चले जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एट, सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय बाय द हेल्प ऑफ वाटर एनिमल्स एयर नाउ फर्स्ट वन वाटर्स के द्वारा लाइक एग्जाम्पल्स कोकोनट, कोकोनट हो गया। उसके बाद एनिमल्स के द्वारा जेंथेनियम यूरेना स्पाइनी सीड्स हैं ये आपके, ये मैंने पहले ही बताया था स्पाइनी सीड्स हैं। उसके बाद आपका एयर के द्वारा मैंने बताया था आपको विंग सीड होते हैं, ठीक है, ड्रम स्टिक और मैपल, ड्रम स्टिक एंड मैपल आर विंग सीड विच आर इजली ट्रांसफर्ड बाय द एयर एंड सम ब्रश फूड आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, बट हेयर वी डिस्कस अबाउट द ओनली सिंपल आंसर्स दैट इज वाटर एयर एंड एनिमल्स थ्रू एनिमल्स एंथेनियम यूरेना बाय एयर्स ड्रम स्टिक एंड मैपल विच आर विंग सीड एंड कोकोनट विच आर इजली ट्रांसपोर्ट बाय द वाटर। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे कि उसमें हमें लिखना क्या है, हम सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग पढ़ेंगे। बर्ड, बर्ड का क्या होना चाहिए, ईस्ट। बर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा होता है। सेकंड आपके बुक में दिया है आइस, आइस जो होता है किस में हेल्प करता है, पोटैटो, पोटैटो के ग्रो जो होते हैं वो आइस ऑफ पोटैटो से होता है। और फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है किसमें होता है, स्पायरो
स्पायरोज़ायरा में होता है फ्रेगमेंटेशन। तो बर्ड आइज एंड फ्रेगमेंटेशन एंड विंग्स, विंग्स का क्या हो जाएगा मैच द फॉलोइंग में, विंग्स का हो जाएगा मैपल, ठीक है। तो विंग्स का हो जाएगा मैपल एंड लास्ट है आपका स्पोर्स, ठीक है। तो स्पोर्स का हो जाएगा ब्रेड मोल्ड, ठीक है। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग है, आप इसको ध्यान से लिख लेंगे और याद भी रखेंगे। तो मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ईस्ट मैंने बताया था सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है और वो किससे ग्रो करता है, बर्ड्स के द्वारा। जब ग्रो करता है तो इसका फास्ट ग्रोइंग होता है, धीरे धीरे ये पूरे एरिया में अपना ग्रोइंग पीरियड बढ़ा लेता है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। आइज ऑफ पोटैटो का आपने देखा होगा व्हाइट कलर के बर्ड्स निकलते हैं, उसको हम लोग बर्ड्स ही बोलते हैं और आइज ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं। फ्रेगमेंट मतलब होता है टूटना, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पायरोज़ायरा होता है, एक एल्गी है, एल्गी जो आप देखते हो तालाब के किनारे किनारे ग्रीन ग्रीन कलर का एल्गी जमा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पायरोज़ायरा ही बोलते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन स्पायरोज़ायरा में होता है। विंग्स, विंग्स आपका ड्रम स्टिक और मैपल मैंने बताया था, विंग्ड सीड होते हैं, तो वही आपका क्या है मैपल यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे हमने लिखा ऊपर में। और स्पोर्स का फॉर्मेशन किस में होता है, ब्रेड मोल्ड उसका एग्जांपल है, स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो ब्रेड मोल्ड में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपका है टिक द करेक्ट आंसर वेयर। पहला आपका है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज द, क्या होना चाहिए, पहला लीफ स्टेम रूट एंड फ्लावर। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका क्या है प्लांट का, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे ही डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला होगा हमारा क्या होगा, फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हमारे प्लांट का, फ्लावर है। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। सबको पता है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, बताइए बच्चों। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, डेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है पॉलिनेशन, फिर दिया है रिप्रोडक्शन, फिर दिया है सीड फॉर्मेशन। तो आपको क्या रखना है याद, डेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो पहला क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का ए आपका फ्लावर, दूसरा हो जाएगा बी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपको सी में याद रखना है, क्या है आपका सी देखते हैं। सी में आपका है क्वेश्चन नंबर कि मैच्योर ओवरी फॉर्म्स दी, ओवरी क्या फॉर्मेशन करता है, वेरी सिंपल, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया सीड, दूसरा दिया स्टेमन, तीसरा दिया पिस्टेल, चौथा दिया है फ्रूट। देखिए आपका स्टेमन जो है वो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है और पिस्टिल जो है वो आपका फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट। तो ये आपका हो जाएगा फ्रूट। उसके बाद डी नंबर देखेंगे, डी नंबर है आपका स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट मैच द फॉलोइंग में भी हम लोग देखें, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 1 रोज, बी ब्रेड मोल्ड, सी दिया पोटैटो, डी दिया है जिंगर। तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर हम लोग ऑप्शन देख लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेड मोल्ड। ओके ये हो जाएगा आपका बी आर ई ए डी ब्रेड मोल्ड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ई नंबर, उसको हम लोग स्मॉल में लिखेंगे, जब सारे नंबरिंग स्मॉल्स में लिख रहे हैं तो ई नंबर हम देखेंगे। ई नंबर हमारा क्या बोलता है, ब्रायोफाइलम कैन बी रिप्रोड्यूस बाय इट्स, ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो आपको बताना है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये वाला आंसर आप खुद बनाइए।